भारत ने ऑस्ट्रिया में राजदूत के तौर पर तैनात रेनू पाल को वापस बुला लिया है। बताया जा रहा है कि रेनू ने अपने नाम पर 15 लाख रुपए का अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ था। विदेश मंत्रालय ने पाया है कि उन्होंने सरकारी फंड में कई तरह की अनियमितताएं बरती और उन पर वित्तीय हेराफेरी का भी आरोप लगा है। रेनू पाल 1988 बैच के विदेश सेवा की अधिकारी है और अगले माह ऑस्ट्रिया में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। इस जाँच में पाया गया कि मंत्रालय की अनुमति के बिना उन्होंने सरकारी आवास पर करोड़ों रुपए कमाए। आधिकारिक सूत्रों की ओर से बताया गया है कि राजनयिक वेट रिफंड और विभिन्न प्रकार की सरकारी मंजूरी के नाम पर धोखा दे रही थी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर की अगुवाई वाली टीम सितंबर माह में वियना गई थी और टीम ने जांच की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। सीवीसी को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें टीम की तरफ से प्रथम दर्शता वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की गई है। इसके अलावा फंड का गलत प्रयोग और नियमों का उल्लंघन भी पाया गया है। 9 दिसंबर को मंत्रालय ने रेनू पालन को हेडक्वार्टर्स पर ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही उनसे एक राजदूत की सभी शक्तियां भी वापस ले ली गई थी। पाल रविवार शाम वियना से लौट आई है। देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें।